बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने कटिहार में प्रेस वार्ता के दौरान कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बातें रखीं। खासकर उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली मुहिम के माध्यम से पर्यावरण को बचाने पर जोर देते हुए हर किसी को इस मुहिम में अपनी सहभागिता निभाने की अपील की। हम आप सभी महसूस कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण जो आम लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश के मामले में लीजिए तो सामान्य वृष्टि का दिन या साल अब होता ही नहीं है, या तो अनावृष्टि होती है माने वृष्टि नहीं होगी, या अल्प वृष्टि होती है थोड़ी बारिश होगी, नहीं तो फिर अतिवृष्टि हो जाती है जो इतनी बारिश होती है कि उससे नुकसान हो जाता है। तो ये सब जिसको मौसम की दुश्वारियाँ या बदगुमानियाँ कहते हैं या दिक्कतें कही है, ये जो अब लगभग रोजमर्रा यानी हर वर्ष की बात होते जा रही है, आखिर हम सबको तो इसके प्रति जगना होगा। और एक चीज निर्विवाद रूप से सत्य है कि हम लोगों ने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है जिसके कारण इस तरह की परेशानी होती है, क्योंकि जल चक्र जो है पूरे प्रकृति का, उसका अपना नियम है और वो अपने नियम से चलता है, और उनका जो स्वाभाविक संतुलन था जिसको प्राकृतिक संतुलन कहते हैं, वो हम लोगों के द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा उसमें इतने प्रकार का दोहन या अति दोहन हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का कि जिसके कारण वो प्रकृति का जो स्वाभाविक संतुलन था वो बिगड़ गया है। और वो बिगड़ गया है तो फिर प्रकृति जब विचलित होती है, जब प्रकृति का आंतरिक संतुलन बिगड़ता है और प्रकृति ही विचलित हो जाती है, तो हम पृथ्वी पे तरह तरह के उसका दंश झेलते हैं, उसकी मार झेलते हैं। वहीं बिहार में महिला सुरक्षा से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, आपने कहा महिला सुरक्षा को लेके विवाद छिड़ गया है। महिला सुरक्षा पर विवाद तो कहीं नहीं है, महिला सुरक्षा के नाम पे तो सभी लोग एकमत हैं। जब महिलाओं को अधिकतम सुरक्षा दी जाए और महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो भी कारगर उपाय हो सकते हैं वो किए जाए, इसलिए महिला सुरक्षा के लिए तो निश्चित रूप से ये पूरे सबके लिए चिंता की बात है। और जो पिछले समय में जो घटनाएं हुई हैं और उस पर जो आम लोगों की राय आई है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने भी जो नेताओं ने भी जो अपनी राय दी है, मेरे ख्याल से सबकी दिशा तो एक ही है। सब लोग चाहते हैं कि यह जघन्य अपराध है, यह कुकृत्य है। फैसले में विलंब, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं मीडिया से संपर्क करें।